के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है, ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने चार ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज़्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसी कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो करते। ये आज ये आवश्यकता लगी कि इतनी बड़ी सभा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय रेल मंत्री जी का हमेशा से मध्य प्रदेश पर जो पैनी नजर रही है, आज उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा निमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ने का जो वर्षों की मांग भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने इस विकास के लिए इस कनेक्टिविटी को लेकर के जो करता रहा, आज हमारा सौभाग्य है। हम कोटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, और इसके लिए अथक मेहनत और परिश्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया, उसके लिए हम उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं। आज मैं इस अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, ये 18,000 करोड़ की ये परियोजना, रेल की परियोजना जो मालवा निमाड़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डिटेल्स इसका आपको आपके बीच में रखेंगे, हमारे रेल मंत्री जी भी इसके बारे में हमारे अपनी बात को कहेंगे कि ये जो परियोजना है, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये परियोजना केवल रेल पथ नहीं है, मालवा निमाड़ के आदिवासी विकास का पथ है और इसलिए पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस क्षेत्र में आदिवासियों का एक नया आर्थिक तौर पर जो विकास की गति इसके माध्यम से मिलेगी इस पूरे क्षेत्र को। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि मालवा निमाड़ से लेकर के इस क्षेत्र को किस रूप में आगे और लेकर के जाना, मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रेल मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार मांग, परिश्रम और मेहनत करते रहे, वर्षों पुरानी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो सौगात मध्य प्रदेश को दी है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। वार्ता के अगले क्रम में मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। आज ये ऐतिहासिक दिन है जिसके कारण से हम सब एकत्र आए, यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी माननीय खजुराहो सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानी वरिष्ठजन और पत्रकार साथियों, आज का दिन और बीते कल का दिन हम तो ये मान के चलेंगे कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक आज़ादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है। जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए हैं, ये मान के चलें कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी कोई निमाड़ में बड़वानी, धार, मनमाड़, हम केवल सर्वे के लिए ही पैसे मांगते लेते रहते हर बार सर्वे से, और मैं कई मामलों में पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप ये इशू को बनाते रहते थे और ये चलाते रहते थे, लेकिन केवल कागज पे चलने वाले सर्वे के बलबूते पर एक बहुत कार्यक्षम एक पूरा क्षेत्र
जिनकी अपनी वहाँ की ऊर्जा, उनकी ताकत, आदिवासी अंचल की अंदर की संभावना बड़े पैमाने पे थी, लेकिन उस पूरे पैमाने पर रेलवे के ट्रैक के अभाव के कारण से कई सालों से, आज़ादी के बाद से एक पलायन का बड़ा क्षेत्र अगर अपने पास था तो ये हमारा ये निमाड़ का अंचल, थोड़ा मालवा का अंचल धार से लगा हुआ। लेकिन ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है। ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने चार ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा। और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा, जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी है वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। कल्पना करना थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है कि क्या वाकई 18,500 करोड़ की रेल लाइन कोई एक झटके से ऐसे ही कर सकता है क्या? वाकई लगता है कि 56 इंच के सीने वाले की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ऐसे ऊर्जावान हमारे रेल मंत्री की है। जब उनने पिछली बार जब मैं मिला दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हमारे आप ये रेलवे स्टेशन के विकास की, रेलवे स्टेशन के स्टॉल की, या ये तो परंपरागत डबल लाइन करना है, मीटर गेज से ब्रॉड गेज करना है, ये तो कर आपको नए रेलवे नेटवर्क की बात करना चाहिए। और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही माननीय वैष्णव जी ने, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेलवे नेटवर्क खोजना और वो प्रस्तावित करो, उन सबके लिए अपनी सरकार पैसे देगी। और उसमें उन्होंने जो पीछे का मंतव्य छिपा बताया वो और महत्व का, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे के नेटवर्क से मध्य प्रदेश का तो भला होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश बोलते ही देश का मध्य में है ये, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में अगर हमको जाना है तो मध्य प्रदेश से गुजरना है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर विकास करने में वो संभावना भी छिपी हुई है जिसके कारण से देश की आवश्यकता है। और ये उदार और ये गंभीर सोच से ही इसी प्रकार के प्रोजेक्ट की सफलता होती। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खासकर आदिवासियों के लिए आज के इस दौर में ये जो विकास, ये जो रेल का विकास नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के आर्थिक उनकी जिंदगी के बदलाव का विकास, और इसीलिए वो बड़ी संभावना है। जैसे कई बड़ी बड़ी संभावना हमारी माइनिंग से लेकर के मिलेट्स तक, बड़ा मोटा अनाज का पूरा बेल्ट है हमारा, अपना आलू मालवा से निकलने वाला और नासिक से आने वाला प्याज है, ये बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्रियों के लिए परस्पर आवागमन का है। ऐसे ही लॉजिस्टिक हब बनाने की बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है। मुझे जो बताया गया है जिसमें विस्तार से तो माननीय अश्विनी जी बताएंगे और फिर अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करने वाले हैं कि रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोड मैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का ये कि पूरा रास्ता बनेगा, उसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट में जैसे हमने पहले एक प्लान किया हुआ है डेवलपमेंट की दृष्टि से कि ये जो हमारा वास्तव में रेल नेटवर्क जुड़ रहा है, जो बड़ी कठिनाई के बाद भी लेकिन बड़ी उपलब्धि होगी, खंडवा से सीधा इटारसी, इटारसी से भोपाल, भोपाल से आगरा होकर दिल्ली जाने वाला बहुत लंबा रूट है, लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर उसका भी बचता था। ये जो सीधी हमारी जो खंडवा से महू होकर के उज्जैन रेल लाइन आ रही है और नागदा होकर के दिल्ली जाएगी, तो ये लगभग 250 किलोमीटर का चक्कर बचाएगी। उसी प्रकार से ये रेल लाइन भी हमारे लगभग 200 किलोमीटर का चक्कर बचाने वाली, अब 200 किलोमीटर मतलब 4 से 5 घंटे हमारे सीधे बचेंगे। ये आज के इस दौर में वाकई में एयर डिस्टेंस की दृष्टि से तो ये सेंटर में था, लेकिन रेल पथ न होने का नुकसान था कि हम इतना लंबा, हमको सूरत जाना, अहमदाबाद उधर घूमते हुए जाना पड़ता था, अब सीधे आवागमन का रास्ता बनेगा। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद भी दूंगा, जितनी बार बोलूंगा उतना कम है, लेकिन सारे पत्रकार मित्र तो यहाँ जुड़े हैं, इनसे अपन और बात करेंगे। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री जी का
और भी कहीं समय है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भी जोड़ करके उनका मार्गदर्शन ले लें। और ये अभी तो हमारा 2028 का कुंभ मेला है, लेकिन आपने शुरुआत में ये जो बड़ी सौगात दी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे इस रेल पथ के माध्यम से माननीय मोदी जी तक, माननीय वैष्णो जी तक पहुंचा है। और ये हम एक तरह से ऐसा भी मान सकते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट की कमी थी, तो ये मुंबई का एयरपोर्ट दिलवाने का काम आपने कराया है। ये नए हमारे सीधा एक मार्ग सुगम किया है कि अभी तक हम जहाज के जरिए सामग्री पहुंचाने के लिए अभाव महसूस करते थे, ये सीधा रास्ता रेल के माध्यम से कंटेनर वहीं पहुंचाएगा जहां दुनिया तक अपने यहाँ के प्रोडक्ट को हम पहुंचा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई, और आशीष जी अब माननीय अश्विनी जी को याद कर लें। एक बात इस अवसर पर जरूर कहना है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो तय करती है कि इस परियोजना को पहले ही टारगेट तय कर दिया है आदरणीय रेल मंत्री जी ने, 2029 तक परियोजना कंप्लीट होगी। ये मोदी जी की सरकार है कि जो हम कहते हैं उसे समय पर पहले ही टारगेट दे दिया कि 29 तक परियोजना पूरी होगी। तो आर्थिक कॉरिडोर तो है ही, रिलीजियस कॉरिडोर भी जो आपने कहा, ये भी आगामी आने वाला सिंहस्थ और सारी चीजों को कनेक्ट करेगा। तो ये अश्विनी जी को बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बात के क्रम में मोदी जी के रेल विकास रथ के सारथी और मध्य प्रदेश के लिए बहुत चिरपरिचित जिनकी प्रभावशाली कार्यशैली है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने सह प्रभारी का दायित्व निभाया और वो सारी रणनीतियां बताई कि आज मध्य प्रदेश में विकासशील सरकार है, ऐसे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया वार्ता प्रारंभ करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मेरे साथी भाई बीडी शर्मा जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके साथ सबसे पहले वेस्ट बंगाल में काम करने का मौका मिला था, और सभी उपस्थित सांसद श्री गजेंद्र भाई, शंकर भाई, सुमेर भाई, कविता बहन, उपस्थित सभी अन्य साथी, सबके नाम मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। एक सबका अनुज हो, छोटा भाई हो आपका, तो और सभी मेरे पत्रकार साथी, मध्य प्रदेश से ऐसा नाता जुड़ गया, आपने 3-4 महीने वहां पे काम जो करवाया उसमें काम तो करवाया ही कराया, बिल्कुल अपना बना के रख लिया। जो प्रेम, जो अपनापन मध्य प्रदेश में है वो एक यूनिक है। मैं साथियों आपके सामने इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के कुछ डिटेल्स रखना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये रेलवे लाइन केवल एक मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं, ये पूरे देश को जोड़ने के हिसाब से रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है तो यहाँ जो भी काम होता है उसका बेनिफिट उत्तर को भी मिलता है, ईस्ट को भी मिलता है, वेस्ट को भी मिलता है और साउथ को भी मिलता है। तो ऐसा मध्य प्रदेश का एक स्वाभाविक तौर पे एक छोटे प्रेजेंटेशन के जरिए से करेंगे। जरा आप स्क्रीन शेयर करें। मनमाड़ इंदौर की नई लाइन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है, लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही ना देखें हम, हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीजों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। ये इसका की प्लान है। की प्लान का मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट किस तरह से जाएगा। इसमें धुले से नारदाना वाला जो सेक्शन है एक छोटा सा, ये सेक्शन 35 किलोमीटर का, इस पे काम पहले ही चालू हो गया है, इसलिए उसका एक बेनिफिट मिलेगा अपने को टाइमलाइन कम करने में। और ओवरऑल भाव से मालेगांव तक करीब करीब NH 52 के पैरेलल जाएगा,
और उसके बाद में मालेगांव से मनमाड़ स्टेट हाईवे के पैरेलल जाएगा, मनमाड़ के नॉर्थ में ज्वाइन करेगा और उसके आगे कंप्लीट रेलवे नेटवर्क एक्जिस्टिंग है। अगर जिलों की बात करें तो जिले कनेक्ट होते हैं नासिक धुले, ये दोनों महाराष्ट्र में हो गए, बड़वानी खारगोन धार और इंदौर, ये जिले हो गए मध्य प्रदेश में। ये पूरा मैप है जिले के हिसाब से इसको रखा गया है रेलवे लाइन को। जो बड़े शहर और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो सेंटर्स जुड़ते हैं उनके नाम है, और महाराष्ट्र में भी उनके नाम है, नाम के प्रोनंसिएशन में गलती ना हो, आप आशीष आप पढ़ लो नाम, या बीडी भाई आप पढ़ लो। हमारे अंदर बात अगर करेंगे तो ये सीधे सीधे इंदौर धार खरगोन बड़वानी, ये सीधी कनेक्टिविटी हमको मिलेगी, और इसी में लगभग हमारे अपने ये जो बाकी के लगभग जो पुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से जो लंबी चौड़ी बहुत सारी सुविधा दे रखी। मैं अभी हमारे पत्रकार साथियों को अभी इनकी बटवा तो दूंगा, ये जो लेकिन जैसे नासिक धुले नंदुरबार ये प्याज के हब हैं, ये नई वैकल्पिक लाइन का हमारे ज्वार मक्का ये मिलेट्स जो अपने इस खरगोन निमाड़ के बेल्ट में होने वाला है, ये सीधा सीधा एक तरह से इंडस्ट्री में हमारे कृषि आधारित उद्योग का तो बढ़ावा दे गई, बड़े पैमाने पर टूरिज्म इंडस्ट्री और माइनिंग के सेक्टर को बहुत मजबूत करने वाला है। और ये इंदौर में हमारा पीथमपुर का औद्योगिक बहुत बड़ा बेल्ट है, और ये इकोनॉमिक है, और उसी प्रकार से उज्जैन का मेडिकल डिवाइस पार्क है, ये देश के 4 डिवाइस पार्क में से एक है, इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। 4 ज्योतिर्लिंग से हमारा इसका संबंध आने वाला है, 4 ज्योतिर्लिंग हमारे घृष्णेश्वर त्रंबकेश्वर नासिक और ये महाकालेश्वर, ये सीधे सीधे संपर्क में आएंगे, और यहाँ से शिरडी के साईं बाबा को जाने के लिए भी सीधा रास्ता मिलने वाला है। ये आने वाले 2000, अब मैं तो निवेदन इतना ही करूंगा कि 29 की जगह 28 पूरा कर लें तो ये सिंहस्थ हमारा 28 में होने वाला है, उसका लाभ हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से एमपी के जो स्थान है भागड़ी जरवा नीमगढ़ सैंधवा जो कनेक्ट, हाँ ये भी है ना लगातार, ये छोटे छोटे काफी अच्छे स्थान है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका पूरा लाभ, और ये जो हमको बताया गया है कि लगभग आप ही बताएंगे इसमें इंदौर मनमाड़ रेलवे परियोजना के लाभ से 138 किलोग्राम तो करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, और 18 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की बचत होगी। ये रेलवे की साइड से जो बताया गया है, एक इंडस्ट्री की संभावना बहुत जबरदस्त है, मैं कई क्षेत्रों में कई प्रकार की इसमें संभावनाओं को समेट रहा हूं, लेकिन आज तो ये पीथमपुर को नहीं तुरंत तो इंदौर से